पीछे की दो सभाओं में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन पर विचार कर रहे थे और मैंने वार्ता को महर्षि दयानंद के प्रिय मंत्र विश्वानी देव से प्रारंभ किया था। महर्षि ने वेदों का भाष्य किया और अपने भाष्य के हर अध्याय के आरंभ में इस मंत्र को उद्धृत किया और आचार्य नाम याद नहीं आ रहा, रचनानुवाद कौमुदी लिखी है, क्या नाम है, कपिल देव द्विवेदी, आचार्य कपिल देव द्विवेदी कहते हैं, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, कि यदि भारतीय संस्कृति के संदेश के रूप में हम इस मंत्र को लें कि भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है, तो हम इस मंत्र को उद्धृत कर सकते हैं कि दुरितानि परासुवद यद भद्रम तन्ना आसुव। ये भारतीय संस्कृति का संदेश है, ये वेदों का संदेश है, ये परमात्मा का संदेश है और इस संदेश का पालन, इस संदेश का पालन हमारे पूर्वजों ने किया और एक महान राष्ट्रकार महान विश्व का निर्माण किया जिसको पूरी पृथ्वी पर विश्व गौरव विश्व गुरु का गौरव प्राप्त हुआ। आज का महिला सम्मेलन का जो विषय है, इस विषय से संबंधित ही हमारी चर्चा चलती चली आ रही है। विषय ये है माता भवती निर्माता, माँ निर्माण करने वाली होती है। महर्षि अत्रि क्या कहते हैं, महर्षि अत्रि कहते हैं नास्ति वेदात परो शास्त्रम, नास्ति वेदात परम शास्त्रम, वेद से बढ़कर संसार में शास्त्र नहीं है, नास्ति मातुहु परो गुरु, और माँ से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं है, नास्ति दानात परम मित्र इहलोके परत्र च, और दान से बढ़कर मनुष्य का संसार में कोई मित्र नहीं है, इस संसार में इस जन्म में और परलोक में अगले जन्मों में। तो यहाँ पर एक बात आती है, नास्ति मातुहु परो गुरु, माँ से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं है। आदरणीय बहन अमर कौर जी ने इस बिंदु पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला था। हमारे सामने तीन माताएं हैं, वैसे आप सब भी माताएं हैं, लेकिन आपके ऊपर सीधा इशारा नहीं करूंगा, हो सकता है आप नाराज हो जाएं, क्योंकि मैं तो यहीं पर हूं। तीन माताएं हैं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। ठीक है, इन तीनों माताओं में एक माता का जो पुत्र था उसने इतिहास रचा, वो इतिहास के अमर पृष्ठों पर अपनी कीर्ति को अपने व्यक्तित्व को अमर कर गया, अपने साथ में अपने कुल को भी अमर कर दिया जिसने, वो एक था, वो माता कौशल्या का पुत्र था। राम इसलिए राम है क्योंकि उसकी माँ कौशल्या है, राम इसलिए राम है क्योंकि उसकी माँ कौशल्या है। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण और राम में दिन रात का अंतर है। वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो बात सारी वहां पर स्पष्ट होगी। राम का जैसा चरित्र, राम की जैसी उदारता, राम के जैसा धर्म पर समर्पित व्यक्तित्व अन्य तीनों भाइयों के अंदर नहीं है। तीनों भाई जगह जगह पर विचलित होते हैं, जगह जगह पर उनके अंदर मन में भेद आता है, राग द्वेष भी पैदा होता है, ईर्ष्या भी पैदा होते हैं, वो एक दूसरे की जान लेने पर भी उतर आते हैं। उदाहरण रामायण को पढ़ेंगे स्पष्ट आता है, लेकिन राम का चरित्र, राम का चिंतन, राम की दूरदर्शिता तीनों से अलग है। जब माता कैकेयी ने तीन वर मांगे, क्योंकि दशरथ ऐसे तो अपने पुत्र को भेजने वाले नहीं थे, आदरणीय बहन ने वो बिंदु पर संकेत भी किया, ऐसे तो दशरथ अपने पुत्र को भेजने वाले नहीं थे, ऐसे माँ कौशल्या भी शायद नहीं भेजते, ऐसे प्रजाजन भी नहीं भेजते,
लेकिन एक व्यवस्था ऋषियों की याचना के तहत माता कैकेयी ने इस रीति से कि उनके पास में अधिकार था तीन वरों का, उस वरों के माध्यम से राजा दशरथ जी को वो बात बताई नहीं और इस तरीके से वो वर मांग लिया। और वर मांगने के कारण राम तो समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो तो वेदों के प्रकांड विद्वान थे, वो तो वेद के ज्ञान को जीवन में जीने वाले व्यक्तित्व थे ही सही। उनके सामने क्योंकि कैकेयी भी जानती थी इस बात को, उस समय के सारे ऋषि मुनि भी इस बात को जानते थे कि राम के सामने यदि ये परिस्थिति आ जाए तो राम कभी भी वचन का, प्रतिज्ञा का त्याग नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा के लिए राम खड़े खड़े अपने आप को आहूत कर देंगे, लेकिन राम प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए माता कैकेयी के माध्यम से ये वचन रखा गया और वो वचन पर राम ने हंसते हंसते बिना संकोच किए, बिना चेहरे के भाव बदले, ज्यों के त्यों उस वचन को, उस आदेश को स्वीकार कर लिया और वन की ओर चल पड़े। जब भरत को इस तत्व का पता लगा, जब भरत को इस बात का पता लगा तो भरत ने आते ही ननिहाल से सबसे पहले अपनी माता के साथ में दुर्व्यवहार किया, अभद्र व्यवहार किया, बुरा भला खोटा कहा, उसकी कोख पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया। और इस वार्ता का जब भरत राम को लेने के लिए गए, वहां पर राम के साथ में भरत ने जिक्र किया और जब जिक्र किया तो राम ने भरत को प्रताड़ित किया, उसको दोषी बताया। उसने कहा माता के साथ में ऐसा व्यवहार तुम्हारा अनुचित है, माता के साथ ऐसा व्यवहार तुम्हारा अनुचित है। इस बात से ये पता चलता है कि ज्ञान की दृष्टि से भी राम की जो ऊंचाई है वो भरत की नहीं है। शत्रुघ्न, जब शत्रुघ्न को पता लगा, क्योंकि शत्रुघ्न भी भरत के साथ में ननिहाल गया हुआ था, जब वापस आए तो शत्रुघ्न को पता लगा तो उसने जाते ही कुब्जा जो मंत्रा थी उस पर प्रहार किया और उसको मारने के लिए भरत से कहा, तो भरत ने कहा कि स्त्री अवध्य है, स्त्री अवध्य है, ये कहकर कुब्जा को मारने से शत्रुघ्न को रोक लिया। इसका अर्थ सीधा सा निकलता है कि यहाँ पर भी शत्रुघ्न का जो चिंतन है वो भी राम के समान इतना ऊंचा नहीं है। दूसरी बात, आदरणीय बहन जी ने एक बात कही थी अभी सूर्पणखा वाली, लेकिन मेरे जो पढ़ने में आया है वहां पर यह आया है क्योंकि राजा राम उस समय पृथ्वी के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। यदि कोई स्त्री गलत कर्म करती है, अनाचार समाज में फैलाती हैं, जिससे अन्य स्त्रियों के अंदर और समाज के अंदर गलत रीति, गलत परंपरा पैदा होती हैं, तो राजा को पूरा अधिकार होता है स्त्री को भी दंड देने का। यदि आपको इस बात का जरा भी संदेह है तो आप मनुस्मृति उठाकर देखें, महर्षि मनु ने जिस प्रकार से निंदित कर्म करने वाले पुरुषों के लिए दंड का विधान किया है, उसी प्रकार से निंदित कर्म करने वाली स्त्रियों के लिए भी दंड का विधान किया है। स्त्री होने के नाते वहां पर क्षमा या बचने का अवसर नहीं है, क्योंकि एक स्त्री बिगड़ी तो कई सारी अन्य स्त्रियां भी बिगड़ेगी, उसका पदानुसरण करेंगी। इसलिए इसके बाद में लक्ष्मण की बात आती है। जब भरत माताओं के साथ में और अयोध्या की सेना के साथ में राम को लेने के लिए आते हैं, उस समय एक वृक्ष पर लक्ष्मण चढ़कर दूर से भरत को सेना के साथ आता हुआ देखता है और ये सोचता है कि ये राम को मारने के लिए आ रहा है और खुद राजा बनना चाहता है, ये इसका षड्यंत्र है। भरत की इतनी दूरदर्शिता नहीं, भरत ने ये लक्ष्मण की इतनी दूरदर्शिता नहीं, भरत के साथ में कम से कम 24 साल तक तो उस समय वेदों को पढ़ने का विधान था, ठीक है। 8-10 साल की आयु में वो गुरुकुल में गए होंगे तो 15-17 साल तो वहाँ रहे ना गुरुकुल के अंदर, और उससे पहले भी 7-8 साल रहे, तो 24-25 साल में वो भरत को नहीं समझ पाया।
लक्ष्मण भरत को इतना नहीं समझ पाया और राम के मन में जहर भरता है और ये कहता है कि मैं भरत को निकट आते ही मार दूंगा। तब राम कहता है कि भाई इस प्रकार का चिंतन करना तुम्हारा गलत है, मैं भरत को जानता हूँ, भरत इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है, भरत इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है। और ये सारी बात इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राम का जो निर्माण हुआ है वो अलग योजना से हुआ है, राम का जो निर्माण हुआ है वो अलग योजना से हुआ है और भरत का, लक्ष्मण का और शत्रुघ्न का जो निर्माण हुआ है वो अलग योजना से हुआ है। चारों की माताओं में बड़ा अंतर है। एक माने रावण के अत्याचार से पृथ्वी को मुक्त करने के लिए एक दिव्य आत्मा का आह्वान किया था और 9 मास तक एक कठोर साधना करी थी, बाकी 2 माताओं को पता ही नहीं उन्होंने कोई साधना करी थी या नहीं करी थी, इसलिए उनके 3 पुत्रों के अंदर भाव भिन्नता थी। लेकिन माता कौशल्या के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र के अंदर उन 3ों से भिन्नता थी, एक ऊंचाई थी, एक आदर्श स्थिति थी। एक जगह बात आती है और राम बातों में एक बात कहते हैं। यदि राम कहते हैं कि यदि प्रतिज्ञा के सामने मुझे अपने जीवन का त्याग करना पड़े, मृत्यु को गले लगाना पड़े, तो राम जरा भी संकोच नहीं करेगा। यदि प्रतिज्ञा के सामने मुझे लक्ष्मण को सीता के साथ में त्यागना पड़े तो राम जरा भी किंचित भी विचार नहीं करेगा। और विशेष रूप से ब्राह्मण को जो दिया हुआ वचन है उसके लिए तो राम संसार का कोई भी त्याग कर सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए समय तो समाप्ति की ओर जाता है, बात को यहीं पर मैं विराम देता हूं। आप सब ने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। शेष चर्चा हम कल की बैठक में करेंगे। इति ओम शब्द।